हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अपने पास फोकस, दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है, और साथ में हम देखेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है, ठीक, दर्पण सूत्र क्या होता है। अब दर्पण सूत्र में जो एफ यूज होता है, वी यूज होता है और यू यूज होता है, ठीक है, उसका साइन क्या होता है, इस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे। वी किसको कहते हैं, यू किसको कहते हैं, एफ किसको कहते हैं, ठीक है, किसके लिए रिप्रेजेंट, ये किसके लिए लाया गया है, ठीक, वी से हम किसको व्यक्त करते हैं, यू से हम किसको व्यक्त करते हैं और एफ से किसको व्यक्त करते हैं, ठीक, इस चीज़ को भी पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे कि एफ का, वी का, यू का साइन क्या होगा, यानी साइन कन्वेंशन क्या होगा, वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके आगे अपना अपने अपना होगा क्या चीज़, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्षमता, ठीक है। देखिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि अपने पास फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ये पॉइंट, ये अपने पास क्या है, एक मिरर है, इस मिरर का नाम क्या है अपने पास, तो इस मिरर का नाम है अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक, इस मिरर का नाम है अवतल दर्पण। यहाँ पे जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, पी, ठीक, पी मतलब क्या, पोल, ध्रुव, ठीक, जो दर्पण का मिड पॉइंट होता है, दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक, ध्रुव कहते हैं। तो पोल और फोकस के बीच की दूरी को, एक मिनट, ये अपने पास क्या है, तो ये अपने पास है फोकस पॉइंट, ये अपने पास क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये फोकस पॉइंट का मतलब क्या है, ये फोकस है, ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। देखिएगा अब ये जो अपने पास, इसके बीच रिलेशन जो हम लेके आएंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में, वो डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे, हम सीधे सीधे रिलेशन लिख लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिएगा तो पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक, पोल और फोकस के बीच ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि फोकस और सेंटर के बीच जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, वो भी एफ के बराबर ही होगा, ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इसका वो भी कितना होगा, एफ के बराबर। ये डिस्टेंस जो पोल और फोकस के बीच है वो भी एफ है, स्मॉल एफ, फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फोकस को कैपिटल एफ से। अब देखिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसका मतलब है वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी है इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एफ से। अब ये स्मॉल एफ के बराबर है इसलिए इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी फोकस दूरी तो ये होती है, ठीक, ये नहीं है, ये वाली वैल्यू इसी के बराबर है, या कह सकते हैं ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब आगे सीधे सेंटर और पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है, यानी वक्रता केंद्र और पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या फिर वक्रता त्रिज्या, ठीक है, हिंदी में इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहाँ से कहाँ की दूरी को, पोल और सेंटर के बीच की दूरी को। ध्यान से देखो ये जो आर वाली वैल्यू है, ये मान लेना है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों होगा, तो फर्दर ये डेरिवेशन से आएगा क्लास ट्वेल्थ में, ठीक, टेंथ में नहीं है आपने। देखिएगा इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, इस एफ को और इस एफ को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें आर मिल जाएगा, क्योंकि आर के बराबर ही तो ये छोटी छोटी डिस्टेंसेज हैं, पूरा मिला के आर है और ये एफ और ये एफ है, ठीक, इसका मतलब जो आर की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ के बराबर आएगा, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा टू एफ, अगर चाहते तो इसको लिख सकते थे कैचेस, जो आर है इसको हम लिखेंगे सी पी कर सकते हैं, सी पी इज इक्वल टू क्या होगा, सी एफ प्लस कैचेस एफ पी, ठीक है, तब भी हमें बाद में स्मॉल एफ और स्मॉल एफ लेना पड़ता, इसलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया है, ठीक। तो ये रिलेशन मिल जाएगा किसका, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू एफ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या जो होगी वो फोकस दूरी की कितनी होगी, सॉरी यहाँ पे आएगा क्या चीज़, स्मॉल एफ, ठीक। तो जो अपने पास वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का कितना होगा, दो गुना होगा। ध्यान से जो वक्रता, लिख लीजिएगा इसको, जो वक्रता त्रिज्या अपने पास है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का कितना होता है, दो गुना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोकस दूरी अपने पास है, ठीक, ये वक्रता त्रिज्या का कितना होगा, आधा होगा, ये फोकस दूरी इस पूरे का क्या होगा, आधा ही तो होगा, ये वाली वैल्यू इस पूरे की क्या होगी, हाफ ही तो होगी, आधा ही तो होगी, तो आर डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, कौन, ये एफ, इसलिए एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, आर बाई टू। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि बताओ कि इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, उसमें ऐसा ऑप्शन दे सकता है कि ये और ये दोनों के दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये सही है ये गलत, ये सही है ये सही है, दोनों ऑप्शन दिया होगा और वहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा
कि ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, बोथ, तो क्या लगाएंगे, दोनों को करेक्ट लगाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। आगे अब देखिएगा, दोनों सही फार्मूला है, ठीक, इसी से निकल के ये आया है, या कह लो इससे निकल करके ये आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये अपने पास मिरर फार्मूला, वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू, ठीक है, इस मिरर फार्मूला को पूरा एकदम रट्टा मार लेना है, ठीक, क्योंकि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये अपने पास फार्मूला होगा वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू, ऐसा ही फार्मूला आपको किस में देखने को मिलेगा, तो लेंस में देखने को मिलेगा, पर वहाँ पे सिंबल इस प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एफ क्या है, वी क्या है और यू क्या है, ठीक। देखिए अपने पास एफ, सबको पता होना चाहिए कि एफ क्या है, फोकस दूरी है, वी क्या है यहाँ पर, तो वी अपने पास क्या होगा, जो अपने पास प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, वो प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर है, वो उसकी डिस्टेंस को हम किससे व्यक्त करते हैं, तो वी से व्यक्त करते हैं, ठीक। कहने का मतलब जो अपने पास प्रतिबिंब होगा, ठीक, वो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, वी, ठीक। और ये यू क्या है, तो वस्तु कितना दूर है, वस्तु कितना दूर है किससे, दर्पण से, सारी दूरी को किससे हम मेजर करेंगे, मापेंगे, तो सबको हम मापेंगे कहाँ से, इस दर्पण के पोल से, ठीक है, सबको हम दर्पण के पोल से मापेंगे। अभी ये चीज़ मैं साइन कन्वेंशन में पूरा क्लियर करूँगा, ठीक है। देखिएगा अपने पास, देखिए मान के चलिए अपने पास क्या है, एक कोई सा ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो अगर कोई सा ऑब्जेक्ट सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा होता है, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, तो उसका इमेज बनता है, उसका इमेज बनेगा कहाँ पे, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है, ये कुछ इस जगह पे। अच्छा, ये बड़ा है, ये कैसा है, छोटा है, ठीक, ये कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, तो पिछले वाले वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। कॉनकेव मिरर में छः केसेस थे, छः केस में ये सेकंड वाला केस था, जिसे मैंने ये चीज़ बताया हुआ है, ठीक है। देखिएगा, ये अपने पास ऑब्जेक्ट के साइज़ क्या है, बड़ा है, इसका साइज़ क्या है, छोटा है, ठीक, ये कैसा है, इन्वर्टेड है, ठीक है, और साथ में कैसा है, रियल इमेज है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, और साइज़ में क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, ये क्या चीज़, इमेज, इसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, ठीक है, ये अपने पास इमेज, ठीक। देखिएगा, अब यहाँ पे इसको चाहे तो हम ए बोल सकते हैं, इसको चाहे तो हम बी बोल सकते हैं, ठीक। अब और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये बी डैश, और ये क्या हो जाएगा, ए डैश। हालांकि इन सबको करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक, तो आप चाहे तो देख सकते हैं उसको, ठीक। देखिएगा, जो आज का मोटिव वो क्या है, जो आज का मोटिव है बताने का वो क्या है, तो देखिएगा, पोल और इस फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब जो अपने पास ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास क्या है, वस्तु, ये अपने पास वस्तु है, ठीक, वस्तु, और ये अपने पास क्या है, प्रतिबिंब, इसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब, ठीक, ये प्रतिबिंब है, और ये क्या अपने पास, वस्तु है। अब पोल से ये वस्तु कितनी दूरी पर है, पोल से ये वस्तु कितनी दूरी पर है, ठीक, इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, यू से, ठीक। कोई सा वस्तु पोल से कितना दूरी पे है, इस चीज़ को हम किससे व्यक्त करते हैं, तो यू से व्यक्त करते हैं, ठीक। अब देखिएगा, यानी यू हमें क्या बताएगा, कि वस्तु पोल से कितना दूर है, ये वस्तु पोल से कितना दूर है, ये कौन बताएगा, यू बताएगा। इसी तरीके से अपने पास जो ये इमेज बना हुआ है, ये इमेज किससे, पोल से कितना दूर है, ये कौन बताएगा हमें, ये हमें बताएगा ये, ठीक है, वी, यहाँ भी क्या आएगा, वी, स्मॉल वी, ठीक, वी। यानी अपने पास देखो, ये मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, ठीक, मतलब ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, पर इसको कहाँ बनाना चाहिए था, इस पोल के जस्ट एकदम पास, मतलब ये डिस्टेंस पोल से किसके बीच, इस ये जो अपने पास इमेज बना हुआ है, जो प्रतिबिंब बना हुआ है, इस प्रतिबिंब और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे वी से, ठीक है। देखिएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। चलिए देखिए, अपने पास ये जो फोकस है, और ये अपने पास, ठीक, ये क्या वी, और ये क्या यू, ठीक। अब जो फोकस है वो क्या है, फोकस दूरी एफ जो है अपने पास, चलिए देखिए, अपने पास ये एफ, वी और यू,
एफ यहाँ पे क्या है तो फोकस दूरी है, वी यहाँ पे क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से तो कहाँ से दर्पण के पोल से होगा, ठीक है, दर्पण के पोल से इसकी दूरी, इस प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे व्यक्त करेंगे तो वी से व्यक्त करेंगे। यू अपने पास क्या है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कहाँ पे अपने पास, तो ये अपने पास वस्तु है इसकी दूरी कहाँ से पोल से, ठीक है, दर्पण के पोल से इसकी दूरी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे नोट लिखा हुआ है कि सभी दूरी कहाँ से लेनी है, सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, ये अपने पास दर्पण है इसका ये ध्रुव है, तो सभी दूरियों को हम कहाँ से मापेंगे दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पास कौन से कंसेप्ट पे, साइन कन्वेंशन पे, ठीक, कि साइन कन्वेंशन कैसे कैसे लेना है, एफ की वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है कब निगेटिव लेनी है, बी की वैल्यू को कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव लेना है, यू की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, या हमेशा क्या निगेटिव ही होगी क्या, तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,